एचसी वर्मा की कहानी, एचसी वर्मा की जुबानी भाग 23। पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था बीएससी ऑनर्स के अपने प्रैक्टिकल इम्तिहान की, जिसमें कि केश नली खींच करके और फिर मुझे पानी के सरफेस टेंशन का मान निकालना था कैपिलरी राइज के माध्यम से। और कैपिलरी खींचने में बहुत मुसीबतें आने के कारण से अधिकांश समय उसमें ही गुजर गया और अंत में बहुत झटपट झटपट में सारे प्रयोग को करके और उसके रीडिंग्स करके और फिर जो सरफेस टेंशन निकालना था वहाँ तक निकाल करके किसी तरह से अपनी नोटबुक में सारे डेटा लिख करके सारे कैलकुलेशंस बता करके और मैंने जमा कर दिया। वाइवा वगैरह तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन जो हमारे बाहरी परीक्षक थे वो ज़रूर इस बात को समझ गए कि इनको प्रयोग करना आता है नहीं। बाद में जब मेरे प्रोफेसर शिवनंदन बाबू, जो कि इंटरनल एग्जामिनर थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल महोदय को पूरा भरोसा था कि मैंने ये सारे डेटा कहीं से चुराए हैं, कहीं से मैं पहले से ही लेकर के आया था या मुझे किसी ने मुहैया कराया लास्ट मोमेंट में और मैंने उसको झटपट झटपट इसके अंदर में लिखा। तो चूंकि मेरे इंटरनल एग्जामिनर जो थे मेरे ही प्रोफेसर थे, मुझे पढ़ाते भी थे, मुझे जानते भी थे, इसलिए तो उन्होंने एक्सटर्नल महोदय को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं नहीं वो हरीश वर्मा ऐसा तो नहीं कर सकता है, उस डेटा तो उसके अपने ही होंगे और अगर उसको इस प्रकार से चोरी करनी होती, अंत में काम यही नुस्खा आया, अगर उसको ऐसा डाटा चोरी करके लिखना होता तो वो टेबल तो बना करके अच्छे से रखता अपनी कॉपी के अंदर में और फटाफट टेबल के अंदर में डेटा भरता, न कि इस तरीके से जिस जैसे बिल्कुल रफ वर्क किया हुआ हो उस प्रकार का। तो हड़बड़ी में किया हुआ काम है, गड़बड़ी में किया हुआ काम नहीं है, ये विश्वास दिलाने में काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली। लेकिन फिर भी उसको एक्सपेरिमेंट तो करना आता नहीं है, उसे तो केश नली तक नहीं खींची और जैसे तैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया है, ये करते हुए उन्होंने मुझे 100 में से 61 नंबर उसमें फिर भी दिए। अगर शिवनंदन बाबू ने उस प्रकार से उनके सामने तर्क प्रस्तुत न किए होते तो शायद 61 नंबर तो छोड़िए, मुझे वो पास कर देते तो भी बड़ी बात होती। जो दूसरा पेपर था एक्सपेरिमेंट का, जो कि स्मूथली गया था, जिसमें कोई बताने जैसी कोई बात नहीं थी, उसमें मुझे कुछ 76 या 77 ऐसे कुछ नंबर मिले थे। तो यानी कुछ नंबरों का नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन हाँ बहुत कुछ उसमें से भी सीख मिली। एक तो बड़ी सीख यही मिली कि नंबरों का नुकसान जो है वो थोड़ी देर का ही नुकसान होता है, क्योंकि बाद में तो नंबर काम ही नहीं आते, बाद में तो नंबरों को कोई पूछता नहीं, नंबरों से कुछ होता नहीं, जो भी कुछ मिलता है वो अपने कर्तृत्व से मिलता है, अपने परिश्रम से मिलता है और कितना ज्ञान अर्जित किया, कितनी क्षमताओं का विकास किया उससे ही मिलता है, ये भी बात सामने में आई। तो इस तरीके से अपना बीएससी का काम पूरा हुआ, परीक्षाएं समाप्त हुई, उसके परिणाम कुछ महीनों के बाद आए, अच्छे रिजल्ट हुए, मेरे भी अच्छे रिजल्ट हुए, विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ मुझको और डिस्टिंक्शंस, उस समय में डिस्टिंक्शन बड़ी बात होती थी, वो भी ऑनर्स में डिस्टिंक्शंस काफ़ी अच्छा समझा जाता था। तो ऐसा रिजल्ट लेकर के फिर एमएससी की योजना बनी कि एमएससी कहाँ से करना, तो उस समय एक विचार ये आया कि जो आईआईटीज में 2 ईयर्स की एमएससी होती है बीएससी के बाद, वहाँ पर कोशिश करना, यदि वहाँ पर एडमिशन्स मिलते हैं तो वहाँ से करना। तो आईआईटी कानपुर में मैंने अप्लाई किया उसके लिए, उस समय कोई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो होते नहीं थे, एक साथ मिला करके सभी आईआईटीज के अपनी अपनी आईआईटी में अपनी अपनी परीक्षाएं हुआ करती थी। तो आईआईटी कानपुर में मैंने अप्लाई किया, वहां से मुझे पत्र भी प्राप्त हो गया कि हाँ इतने तारीख को इम्तहान होगा और आप आकर के इम्तहान दीजिए और टेस्ट दीजिए, इंटरव्यू में अपीयर होइए।
तो कुछ संपर्क सूत्र निकले दरभंगा के अवधेश जी थे, जो कि पीएचडी कर रहे थे आईआईटी कानपुर में, हॉस्टल 4 में रहते थे वो। तो उनका संवाद मिला कि हाँ ठीक है, आप कुछ दिन पहले आ सकते हैं, 3-4 दिन पहले आ जाइए, मेरे कमरे पर रह सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं कुछ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले परीक्षा से आईआईटी कानपुर पहुंचा, रात के समय पहुंचा, अवधेश जी के कमरे पे गया, नमस्ते हुई, बातचीत हुई, पहली पहली बार मिले थे हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई वगैरह 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 वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग सोए। शनिवार का दिन था और दूसरे दिन रविवार को हॉस्टल 4 में आलू के पराठे बना करते थे, अवधेश जी ने ऐसा बताया। और ये भी बताया कि मैं तो देर से उठूंगा और तुम चले जाना, जा करके हॉस्टल के अंदर में ऐसे, यहाँ पर बाहर में पर्ची मिलती है, पैसे दे करके पर्ची खरीद लेना और जा करके नाश्ता कर लेना। तो ठीक है, अगले दिन रविवार को सवेरे अपना जो भी दांत मांजने वगैरह का काम होता है वो सब करके, और मैं वहाँ गया हॉस्टल में, जहाँ भोजन की व्यवस्था थी, बाहर में पर्ची बेची जा रही थी, मैंने दे करके वो पर्ची ले ली, कूपन जिसको कहते थे, और जा करके बैठ। फिर स्टील की थालियाँ आई, उसमें वो आलू के पराठे आए, वो लेकर के आए उनके जो परिवेशक थे, और टेबल के ऊपर बड़े बड़े बर्तनों के अंदर में ढेर सारा अचार भर करके रखा हुआ था, चम्मच उसमें डली हुई थी, और ऐसा देखने में लग रहा था, मैंने समझा नहीं कि ये अचार है, मुझे लगा कि ये सब्जी है। उसमें से ढेर सारी सब्जी की तरह से चम्मच भर करके उसको डाल लिया, और अपने पहले कौर के अंदर में सब्जी की तरह ढेर सारा अचार लेकर के मुंह में रख लिया, और मुंह में रखने के बाद पता चला कि ये तो बहुत ही तीखा और खट्टा अचार है। लेकिन अब इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में और कुछ कर भी नहीं सकता था, तो किसी तरह से वो उसको निकल करके और समाप्त किया, और उसके बाद फिर बिना कुछ और लगाए हुए वो जो पराठा था वो उसको खत्म किया, और जो अचार लिया था ताली में वो तो बर्बाद ही गया। तो इस प्रकार की मेरी पहली सुबह आईआईटी कानपुर में 1975 ईस्वी में, 1975 में, इस प्रकार से गुजरी। 3 दिन वहाँ पर बहुत आईआईटी का लुत्फ उठाया। जो लोग वहाँ पर थे, विद्यार्थी जो थे हॉस्टल में रहने वाले या बाहर, वो सब कैसा हा हा ही हु हु करते हैं। तो लगा कि अच्छा, ये तो सब बड़े साइंटिस्ट होने वाले हैं, बड़े इंजीनियर होने वाले हैं, बहुत ही प्रतिभावान लोग हैं। तो इनका जीवन ऐसा होता है, ऐसा मस्ती भरा होता है, ऐसा नहीं है कि वो खाली अपने काम में डूबे रहते हैं, वो भी देर रात तक बैठ करके और कैंटीन के अंदर में चाय समोसा लेते रहते हैं और मस्तियां करते रहते हैं। ये सब बड़े अच्छे अच्छे अनुभव आए। अवधेश जी के कमरे में ही मुझे पहली बार रेसनिक और हेलडे की लिखी हुई फिजिक्स नाम की किताब, उसके दर्शन हुए। जिस समय मैं 1969-70 में अपने प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री 1, यानी जिसको आजकल +2 कहें, उस समय तो यहाँ पर रसनिक हेलिडे की किताब कोई जानता भी नहीं था, प्रचलन में भी नहीं थी। वो तो आईआईटी कानपुर में फर्स्ट ईयर में, बीटेक फर्स्ट ईयर में जब बच्चे जाते थे तो उनको कोर कोर्स में पढ़ाई जाती थी वो। आजकल तो रसनिक हेलिडे तो सब +2 के समय ही सारे करके और जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करके जाते हैं। तो वहाँ की भी किताबें अब बदल गई हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर की किताबें अब अलग हो गई हैं, थोड़े हायर स्टैंडर्ड की हो गई है। लेकिन उस समय रसनिक हेलिडे एक बड़ी ऐसी किताब थी जो कि आईआईटी में जाने के बाद ही लोग पढ़ा करते थे। मुझे वो अवधेश जी के कमरे पे मिली, और जो मैं वहाँ पर 2-3 दिन पहले पहुँचा था, तो किताब पढ़ने में बहुत प्यारी लगी और मुझको, मैंने उसको कुछ कुछ पढ़ लिया, 2-3 दिन में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। और उसी समय से मैं उस किताब से, सीखना है मुझे अगर यहाँ आया तो इसको जरूर पढ़ूंगा, ऐसा निश्चय किया। फिर उसके बाद इम्तहान हुआ। विनोद कुमार मिश्रा जी जो मेरी यूनिवर्सिटी के टॉपर थे वो भी गए थे इम्तहान देने के लिए। तो इम्तहान हुआ, कुछ 100 से अधिक
विद्यार्थी आए थे परीक्षा देने के लिए, और मुझे पता चला कि 15-20 लोगों का एडमिशन होता है। कितने लोग कैसा परफॉर्म करते हैं उसके अनुसार ये संख्या थोड़ी इधर उधर हो सकती है। अगर लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो कुछ जगह खाली पे रह जाएं, एडमिशन्स नहीं होते, और अच्छा परफॉर्म किया तो फिर मैक्सिमम जहाँ तक जितनी उनकी सीट्स हैं वहाँ तक एडमिशन्स हो सकते थे। तो 15 से 20 लोगों का एडमिशन सामान्यतः होता है ऐसा पता चला। तो उन जो भी 100 या 120 जितने विद्यार्थी आए होंगे रिटन टेस्ट के लिए, उसमें से कुछ 30-35 लोगों को उन्होंने स्क्रीन किया उस परीक्षा के आधार पर, उनकी लिस्ट चिपकाई नोटिस बोर्ड पर। और हम लोगों को पता है कि इतने घंटे के बाद आकर के देखना, लिस्ट में अगर नाम हो तो फिर इंटरव्यू होगा, और अगर ना हो तो फिर घर जाओ। तो धड़कते दिलों के साथ, और मैं वहां जब पहुंचा नोटिस बोर्ड पर तो देखा कि मेरा नाम तो है और विनोद मिश्रा जी का भी नाम है और भी कई सारे नाम है। तो हुआ कि अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, पहली सीढ़ी तो पार हो गई, अब तो इंटरव्यू देना है, देखें इंटरव्यू में क्या बात बनती है। तो फिर इंटरव्यू का भी समय वगैरह बताया हुआ था और किस कमरे में होना है क्या है, वो सब नोटिस के ऊपर चिपका हुआ था। तो उस अनुसार इंटरव्यू के लिए मैं गया, और अब अंग्रेजी तो आती नहीं थी, और वहाँ पर जाने पर तो अंग्रेजी के अंदर में ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब शुरू हो गए। तो मैंने प्रारंभ में ही वहाँ पर बता दिया कि मुझे अंग्रेजी में बोलने में बड़ा कष्ट है और अंग्रेजी समझने में भी बड़ा कष्ट है, तो यदि ये इंटरव्यू हिंदी में लिया जाए तो शायद मैं कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। तो उन लोगों ने फिर अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि वो हिंदी में और हमारे सामने में प्रश्नों को रखें और मेरी हिंदी को वो समझ पाए। तो हुआ, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए अलग अलग जगहों से, मैकेनिक से, थर्मोडायनामिक से, हर तरफ से, और कुछ चला होगा, आधे पौना घंटा इंटरव्यू चला होगा, और मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए और मार आया। तो जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जितना समय लेना था उतना लेकर के और फिर से उसका रिजल्ट चस्पा किया नोटिस बोर्ड पर। तो हम लोग फिर गए देखने के लिए कि क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। तो पाया कि मेरा नाम है, तो उसमें लगा अच्छा मेरा नाम सीधे सीधे सिलेक्शन के अंदर में हो गया, IIT के अंदर में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया, पटना साइंस कॉलेज ने जो मुझे पढ़ाया वो इतना अच्छा पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया और इतनी क्षमता मुझ में विकसित की कि IIT के टेस्ट के अंदर में पहली बार के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। MSc के दौरान की जो और मेरी यादें हैं वो फिर मैं आगे के एपिसोड में आपके साथ बातें करूंगा।